गए, बस अभी हो गया डन डन। अब आपका आ रहा है तापस अग्रवाल होस्ट नाउ। अब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग लिखा भी आ रहा है, अब हो गया। मैं एक मिनट का और समय लूंगा छोटा सा। जी जी कोई नहीं। जी अभी हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो होपफुली हम रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। जी जी है ना। तो अगले रचना के लिए जी आ गई है, रचना पाठ के लिए शिवेंद्र कौशिक जी को, मेरे बहुत परम मित्र हैं। तो शिवेंद्र जी ओवर टू यू। शिवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आपका। सबसे पहले तो सभी को मेरा बताओ भैया क्या सुनाऊं? आप अपनी शैली में, नहीं नहीं आप अपनी शैली में जो सुनाओगे आपके मुंह से सब अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा प्रणाम। मेरा नाम आशीर्वाद भैया, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिलता रहे बस। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिवेंद्र कौशिक है और मैं आपके सामने, जैसे अभी एक प्रेम की रचना भी आई थी बीच में, नीरज जी ने प्रस्तुत किया था, तो मैं ऐसा ही कुछ प्रेम पे ही सुना देता हूँ। जी जी स्वागत है, स्वागत जी। एक बस मैंने लिखा था, शायद भैया ने तो सुना भी है, अमित भैया ने। अरे साहब आपके मुंह से बार बार सुनने में मजा ज्यादा आता है। प्रेम आप इतना बढ़िया सुनाते हैं शिवेंद्र जी, सफल हो जाएगी भैया मेरी कविता। अरे साहब साहब मेरे दिल की हर एक धड़कन को तेरा दिल समझता है, कभी मायूस होता मैं अश्क तेरा छलकता है। क्या बात है, तू मेरी संगनी मुस्कान है, तू मेरे होठों की, तुझे देखे बिना दिल को ना एक पल चैन मिलता है। क्या बात, मेरे दिल की हर एक धड़कन को तेरा दिल समझता है। वाह 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 वाह। तेरा मिलना मेरे जीवन में खुशियां लेके आ जाना, अभी भी याद है मुझको तेरा वो पहला मुस्काना, वो फेरों के वचन सारे, वो घर को छोड़ के आना, वो फेरों के वचन सारे, वो घर को छोड़ के आना, तेरे हंसने से घर आंगन मेरा फूलों सा सजता है, मेरे दिल की हर एक धड़कन को तेरा दिल समझता है। मेरी हर प्रेरणा में तू, मेरी हर साधना में तू, मेरी हर प्रेरणा में तू, मेरी हर साधना में तू, मेरे कर्मों में पूजा में मेरी आराधना में तू। वाह वाह वाह। तेरे ही प्यार से जीवन मेरा संपूर्ण होता है, मेरे दिल की हर एक धड़कन को तेरा दिल समझता है। बहुत बढ़िया आभार। तुम ही हो तुम जिधर देखूं, जहां तक नजरें दौड़ाऊं, चांद तारों को लाकर मैं तेरे दामन में भर जाऊं, कि रातों को सपन में भी मुझे ये ख्वाब दिखता है, मेरे दिल की हर एक धड़कन को तेरा दिल समझता है। नहीं था कुछ पता मुझको, मिले ना थे मुझे जब तक, नहीं था कुछ पता मुझको, मिले ना थे मुझे जब तक, खबर है आज मुझको भी प्यार ऐसे भी होता है, खबर है आज मुझको भी प्यार ऐसे भी होता है। ना मिलती तुम तो मेरे शब्द भी छुप के रह जाते, जो हम कुछ आज लिखते हैं
कहां से हम ये लिख पाते, तेरी मुस्कान से ही मेरा हर गीत सजता है, मेरी मुस्कान से ही तेरा मेरा हर गीत सजता है। मिले तुम पुण्य कर्मों से कि कुछ अच्छा किया होगा, मिले तुम पुण्य कर्मों से कि कुछ अच्छा किया होगा, कि अपने पिछले जन्मों में भी दिल तुझको दिया होगा। क्या बात है। बाहों का घेरा अब दुखों से दूर रखता है, मेरे दिल की हर एक धड़कन को तेरा दिल समझता है। आखिरी है जी, दोबारा अगर मिले जीवन तो बस हो साथ फिर तेरा, दोबारा अगर मिले जीवन तो फिर हो साथ बस तेरा, चढ़े तुझ पे भी मुझ पे भी प्यार का रंग और गहरा, चढ़े मुझ पे भी तुझ पे भी प्यार का रंग और गहरा, तेरा ही प्यार पाऊं मैं, तेरा ही प्यार पाऊं मैं, मेरा दिल मुझसे कहता है, मेरे दिल की हर एक धड़कन को तेरा दिल समझता है, कभी मायूस होता जो अश्क तेरा छलकता है। धन्यवाद। वाह वाह वाह, शिवेंद्र जी जितनी तारीफ की जाए कम। भैया धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर शिवेंद्र जी, मजे आ गए, बहुत अच्छा आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। समय तेजी से बीत रहा है, अगले रचनाकार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं प्रतीक शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ अगले रचना पाठ के लिए। स्वागत है जी, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत प्रतीक जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शुरू करता हूँ, मैंने कुछ आजकल जो माहौल चल रहा है जिसमें कोरोना पैंडेमिक है उससे रिलेटेड कुछ लिखा था, तो मैं उसी से शुरू करता हूँ। जी स्वागत है, स्वागत के वर्ड हैं इसमें। तो आज तकलीफ में हर इंसान बेजार नजर आता है, वाह, आज तकलीफ में हर इंसान बेजार नजर आता है, इल्म काम का नहीं तजुर्बा बेकार नजर आता है। क्या बात है, इल्म काम का नहीं तजुर्बा बेकार नजर आता है, कभी महफिलों का दौर चलता था जिन घरों में, कभी महफिलों का दौर चलता था जिनके घरों में, उन्हें नींद नहीं आती बस दरो दीवार नजर आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। किसी का दूसरा पैराग्राफ है जी, किसी की उल्फत किसी को व्यापार नजर आता है, जी आजमाइशों में देखा है कि किरदार नजर आता है, वाह, सब्र दूसरों के लिए ना रखो खुदगर्जी ही समझ लो, सब्र दूसरों के लिए ना रखो खुदगर्जी ही समझ लो। रहनुमा की आंखों में खौफ बार बार नजर आता है, नजर आता, क्या बात, क्या बात, खौफ बार बार नजर आता है, वाह वाह वाह। इसका आखिरी पैराग्राफ है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुमकिन कोशिशें करता सब संसार नजर आता है, जी न रोशनी का पता न चांद का दीदार नजर आता है, नजर कमजोर सही मेरी पर इतना देख सकता हूँ, जी घुप अंधेरा कहीं चिरागों से गुलजार नजर आता है, नजर आता, वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। इसी से रिलेटेड एक और कविता लिखी थी मैंने कुछ समय पहले, एक ऑनलाइन याद रखा जाएगा वीडियो बहुत प्रचलित हुआ था, तो उसका जवाब देना चाहता था, तो कुछ उसी पे लिखा है, आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। कोई कहता था याद रखा जाएगा, मैं कहता हूँ जरूर याद रखना चाहिए, जिनके हाथों ने हमें इन नाजुक लम्हों से निकाला उन्हें याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए अपने घर न ठहर कर पीड़ित घरों को बचाने वालों को, कलेजे के टुकड़ों को, कलेजे के टुकड़े दूर से देखकर अश्क बहाने वालों को याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए दो रोटी असहाय जरूरतमंदों तक पहुंचाने वालों को,
बिल्कुल, घर घर की रसोई चलती रहे मुमकिन बनाने वालों को याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए वे जवान जो जिद बन गए हमारे और मर्ज के दरमियान। याद रखना चाहिए वे जवान जो जिद बन गए हमारे और मर्ज के दरमियान। लाठियां अक्सर हमारी फिक्र के उठान फिक्र के लिए उठाने वालों को याद रखना चाहिए। वाह 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 वाह। याद रखना डूबती जिंदगी की नब्ज पकड़कर साहिल पहुंचाने वाले को। याद रखना डूबती जिंदगी की नब्ज पकड़कर साहिल पहुंचाने वाले को। परिवार भी साथ नहीं मरीजों के, उन मुहाफिजों को याद रखना चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। याद रखना सिर्फ अपने घर साफ करने से मुल्क साफ नहीं होता। याद रखना सिर्फ अपने घर साफ करने से मुल्क साफ नहीं होता। आज बंद शहरों में रोजाना झाड़ू लगाने वाले को भी याद रखना चाहिए। क्या बात, याद रखना चाहिए सबके नसीब में नहीं है रोज सुकून भरी वो गहरी नींद। याद रखना चाहिए सबके नसीब में नहीं है रोज सुकून भरी वो गहरी नींद। फौजी जो हिफाजत में पलक नहीं झपकते उनको भी याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए ये फिजूल सियासत करने वाले बहुत मिलेंगे जहान में। याद रखना चाहिए ये फिजूल सियासत करने वाले बहुत मिलेंगे जहान में। रहनुमा जो तुम्हारी फिक्र में ना देखे नफा नुकसान उसे याद रखना चाहिए। बहुत खूब, वाह वाह वाह। याददाश्त अगर कमजोर है तुम्हारी तो कुछ रूह से ही पूछ लेना। याददाश्त अगर कमजोर है तुम्हारी तो कुछ रूह से ही पूछ लेना अपनी। जवाब जो भी मिलेगा उसे मुकम्मल ईमान से ताउम्र याद रखना चाहिए। किसी ने कहा था कि याद रखा जाएगा, मैं फिर कहता हूँ याद रखना चाहिए। जिनके हाथों ने हमें इस मुश्किल दौर से निकाला उन्हें याद रखना चाहिए। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रतीक जी बहुत सुंदर सामयिक रचना प्रस्तुत की आपने, बहुत खूबसूरत भैया। थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत रचना के लिए। अब जरूर याद रखना चाहिए और जरूर याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अभिषेक शुक्ला जी को। आप अपनी धन्यवाद तपस साहब। थैंक यू जी। तो स्वागत, शेर से शुरू करवाऊंगा कि लाओ सब दुश्वारियां हम ही पे रख दो। लाओ सब दुश्वारियां हम ही पे रख दो, मैं जिंदा कब्र हूँ कहीं पे रख दो। लाओ सब दुश्वारियां हम ही पे रख दो, मैं जिंदा कब्र हूँ कहीं पे रख दो। एक पुराना जख्म अब भरने लगा है, एक पुराना जख्म अब भरने लगा है, तुम नया लाओ और वहीं पे रख दो। बहुत शुक्रिया। अगला शेर है कि अगर यकीन हो हमारी वतन परस्ती पे, अगर यकीन हो हमारी वतन परस्ती पे, सर कटा के सर जमीन पे रख दो। और सब न ले पाए तो बांट हम लेंगे, सब न ले पाए तो बांट हम लेंगे, बांट हम लेंगे, तुम अपने रंजो गम इस यकीन पे रख दो। क्या बात। और एक मतलब और शेर है कि बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर ऐसा है कि किसी शतरंज का मोहरा हो गया, किसी शतरंज का मोहरा हो गया पुराने जख्म सा गहरा हो गया, किसी शतरंज का मोहरा हो गया हूँ पुराने जख्म सा गहरा हो गया हूँ। किसी की चीख मुझको क्यों सुनाई ही नहीं देती, यकीन मुझको है बहरा हो गया हूँ मैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि बहुत शुक्रिया। किसी की चीख मुझको क्यों सुनाई ही नहीं देती, यकीन मुझको है बहरा हो गया हूँ मैं। अपने मन मुताबिक हर कोई मुझको पहनता है, अपने मन मुताबिक हर कोई मुझको पहनता है, पहनता है के सिर का सहरा हो गया हूँ। बहुत और एक आखिरी शेर है इसका कि मंजिल साफ भी है और कुछ दिखाई भी नहीं देता, मंजिल साफ भी है और कुछ दिखाई भी नहीं देता, अपने रास्ते का कोहरा हो गया हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर ऐसे हैं कि
हर किसी से खुद को छुपाते हुए, हर किसी से खुद को छुपाते हुए सबको मिलते हैं हम मुस्कुराते हुए। उम्र दादी नानी की ढल सी गई, नाती पोतों को किस्से सुनाते हुए। घर में बेटा बड़ा था बड़ा रह गया, सबके सपनों को ऊपर उठाते हुए। सब सितारे बादल में छुप से गए, चांद भी चल पड़ा झिलमिलाते हुए। मंजिलें आंख से सब ओझल हुई, राह के पत्थरों को हटाते हुए। कुछ पुराने ख्यालों की दस्तक हुई, रुक गए हाथ को हम मिलाते हुए। हमने तुतला के कल शाम बातें करी, छोटे बच्चे को गोदी उठाते हुए। कल पुराने दिनों ने फिर आवाज दी, हम कहाँ खो गए मुड़ के आते हुए। पुरानी गली में नई आहटें, एक लड़की मिली मुस्कुराते हुए। रास्ते में बहुत बहुत शुक्रिया, पुरानी गली में नई आहटें, एक लड़की मिली मुस्कुराते हुए। रास्ते में चलो तो ये मालूम हो, लोग टकराएंगे आते जाते हुए। उसकी आंखों के बारे में क्या ही कहें, उसकी आंखों के बारे में क्या ही कहें। उठ रही थी मगर हिचकिचाते हुए, लब खामोश थे और कहते भी क्या, डर रहे हाल दिल को बताते हुए। और आखिरी शेर है कि चोट जब भी लगी तो हैं रोने लगे, चोट जब भी लगी तो हैं रोने लगे, माँ को देखा है आंसू छुपाते हुए। बहुत बढ़िया। और एक एक और अगर इजाजत हो तो एक दो गजल में और। हाँ बिल्कुल जी। तो है कि ऐसा है कि मोहब्बत करेंगे खता भी करेंगे जी, मोहब्बत करेंगे खता भी करेंगे, खफा भी रहेंगे दुआ भी करेंगे। बहुत बढ़िया। मोहब्बत करेंगे खता भी करेंगे, खफा भी रहेंगे दुआ भी करेंगे। थक कर सफर में किसी रोज हम भी, थक कर सफर में किसी रोज हम भी, बैठेंगे भी और चला भी करेंगे, चला भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। पूछेगा जब भी कोई खैरियत तो, पूछेगा जब भी कोई खैरियत तो, सर भी हिलाएंगे ना भी करेंगे, ना भी करेंगे। और संग दिल बहुत हैं यहाँ हर सफर में जी, संग दिल बहुत हैं यहाँ हर सफर में, ठोकर भी देंगे दवा भी करेंगे। और आखिरी शेर इस गजल का कि हवा को चरागों ने बहका लिया है, हवा ने चरागों को बहका लिया है, जला भी करेंगे बुझा भी करेंगे, बुझा भी करेंगे, जला भी करेंगे बुझा भी करेंगे। जी अगर समय हो तो एक एक गजल और इसके बाद। समय थोड़ा सा बढ़ रहा है, हम एक बार दोबारा मौका देंगे। अभी ये वाला सेशन आउट होने वाला है, तो इसमें हम चाहते हैं कि एक रचना और आ जाए, उसके बाद फिर हमें रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ विभोर जी को, अग्रवाल जी को। स्वागत है विभोर जी आपका। स्वागत भाई विभोर जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद तापस जी। सर्वप्रथम तो सभी साहित्यकारों को मेरा नमन और माँ सरस्वती को मेरा वंदन। आज की जो मैंने कविता लिखी है जी, वो कविता आजकल कोरोना चल रहा है तो उसे कुछ धमकी देते हुए लिखी है। अच्छा जी, उसे मैं चुनौती दे रहा हूँ उसके संबंध में। एक लाइन है, कुछ आवाज सही हो रही है आपकी, आवाज आवाज कट रही है आपके। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ बिल्कुल अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ मुझे लगा कहीं कनेक्शन कुछ। शानू मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी आ रही है, आ रही है चाचा जी आपकी। चलिए मैं शुरू करूं फिर आगे। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत स्वागत है, धन्यवाद। एक कोरोना सुन हमें परेशान ना कर, एक कोरोना सुन हमें परेशान ना कर, हम नहीं डरेंगे अगर तू जल्दी नहीं गया तो, तेरा नामो निशान ही खत्म कर देंगे। हम भारतीय हैं, बॉर्डर पर जान देने से नहीं डरते, हम भारतीय हैं बॉर्डर पर जान देने से नहीं डरते, तेरी तो औकात ही क्या है, काढ़ा पीकर ही तुझे बर्बाद कर देंगे, काढ़ा पीकर ही तुझे बर्बाद कर देंगे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मिट्टी खाकर बड़े होते हैं हम, मिट्टी खाकर बड़े होते हैं हम, तू जैसे हजारों की एंटीबॉडी रोज बनाते हैं हम। एक बेहतर प्रतिरक्षा तंत्र है हमारे पास, एक बेहतर प्रतिरक्षा तंत्र है हमारे पास, तुझे उसे नष्ट नहीं करने देंगे हम। देश में संख्या बढ़ाकर हमें डरा रहा तू, अरे देश में संख्या बढ़ाकर हमें डरा रहा तू, अपनी नापाक हरकतों से कुछ को सुला रहा तू, पर मत भूल
हर काली रात के आगे एक सुनहरा दिन भी आता है। हर काली रात के आगे एक सुनहरा दिन भी आता है, बस हमको उस दिन का इंतजार है। जब तू हारेगा हम जीतेंगे, जब तू हारेगा हम जीतेंगे, आज कह देता है विभोर तुझसे, आज कह देता है विभोर तुझसे, ना टिक सकेगा तू अब ज्यादा दिन, इस पवित्र धरा पर तेरा सर्वनाश करने कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद। बढ़िया 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 बहुत बढ़िया बढ़िया विभोर जी, विभोर जी बहुत आभार सभी का। हमारे पास 4 मिनट का समय है इस सेशन के लिए। मैं एक बार अमित गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ एक रचना के लिए, उसके बाद एक और रचना उनकी नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे। जी अमित सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद तापस जी। मतलब आप मुझे डबल सुनाने के लिए पहले से ही कह रहे हैं कि आपको डबल ही सुनाना पड़ेगा। जी जी जी, एक में कहाँ गुजारा होता है। अरे साहब जी, मैं नए लोगों के लिए परिचय के लिए बता दूं, मेरा नाम अमित गुप्ता और मैं आपके तापस जी के होम टाउन से हूँ। बाकी लोग तो सब जानते ही हैं, धामपुर वाले तो जितने लोग हैं। तो एक 4 लाइन से शुरुआत कर रहा हूँ। ये नई रचना मैंने अभी 1-4 दिन पहले ही लिखी थी, आज के थोड़ी व्यस्तता के कारण कुछ आगे नहीं बढ़ा पाया। स्वागत है। लॉकडाउन में अपना घर ही बन गया लॉकअप। वाह। लॉकडाउन में अपना घर ही बन गया लॉकअप, बाहर चक्का जाम हुआ काम पड़े हैं ठप। बाहर चक्का जाम हुआ काम पड़े हैं ठप, अरे काम पड़े हैं ठप, दफ्तर होटल मंदिर सब सूने और उजड़ गए मंडप, कमर रही है दुख पिचक गया है सोफे का डनलप। और पिचक गया है सोफे का डनलप। तो ये मैं आपको इतना ही सुना रहा हूँ, एक रचना और सुनाता हूँ जी। कुछ लोगों ने शायद सुन भी रखी हो, लेकिन कुछ उर्दू वाले शायर बहुत लोग जुड़े हुए थे हमसे जी, जी। तो इसमें कुछ उर्दू के शब्द हैं, इसलिए मैं ये आपको सुना रहा हूँ। चेहरा सुर्ख गुलाब रख, चेहरा सुर्ख गुलाब रख, गुलाब रख, जिंदगी में बहाव रख, जिंदगी में बहाव रख, और हर कोई जो पढ़ना चाहे किरदार किताब सा रख। बहुत बहुत बढ़िया। और मन को जो दे जाए सुकून, एहसास सर्द हवा सा रख। क्या बात है। और मिट्टी को भी जो महका दे मिजाज बरसात सा रख, बरसात सा रख, बरसात सा रख। दोस्ती समंदर से भी गहरी आशिकों के ख्वाब सी रख। वाह क्या बात सर, क्या बात। दोस्ती समंदर से भी गहरी आशिकों के ख्वाब सी रख, ख्वाब सी रख, दुश्मन से भी यारी रख, दिल में बस दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे शब्दों से तेरे बस इतनी सी समझदारी रख। वाह अरे वाह, चोट ना पहुंचे शब्दों से तेरे बस इतनी सी समझदारी रख, समझदारी रख, और भीड़ में हो पहचान तेरी बस इतनी सी कलाकारी रख। क्या बात, भीड़ में हो पहचान तेरी बस इतनी सी कलाकारी रख। कुछ दिन की है ये जवानी, बुढ़ापे की भी तैयारी रख, बुढ़ापे की भी तैयारी रख, कुछ दिन की है ये जवानी बुढ़ापे की भी तैयारी रख। और आखिरी लाइनें हैं जो मेरे कवि मित्र हैं, मैं कुछ अगर गलत बोल दूं तो मैं उनसे माफी मांगते हुए पहले ही कह रहा हूं, जो मैंने पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन ये भी एक सच है हमारे कवियों का, साहित्यकारों का जी, कि तालियों की हमेशा ख्वाहिश न रख, तालियों की हमेशा ख्वाहिश न रख, हर कविता हर पंक्ति पर वाह वाह की आस न रख। बिल्कुल सही, हर कविता हर पंक्ति पर वाह वाह की आस न रख, दिल को बहलाने का तरीका सीख, और कुछ तो जमाने का सलीका सीख, सलीका सीख। चाहत है गर तवज्जो की अमित, चाहत है गर तवज्जो की अमित, कविता छोड़ चुटकुले सीख। बहुत सुंदर भैया, कविता छोड़ चुटकुले सीख,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस सेशन को रचना थी, मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ और एक बार रिकनेक्ट करिएगा।